स्ट्रीट का मतलब होता है पट्टी, डोरी पट्टी, ठीक है, स्ट्रीट लाइन बैंड। उसके बाद शाउट, शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, टू येल, टू स्क्रीम, टू क्राई, मतलब इस तरह से दौड़ना, चीखना, रोना, चिल्लाना। फिर है समन, समन का मतलब होता है बुलाना, बुलावा भेजना, किसी को बुलाना, तो टू कॉल और टू सेंड फॉर। देन क्लैमर, क्लैमर का मतलब होता है शोर, नॉइस, डिस्टरबेंस, क्लैटरिंग साउंड, किसी चीज के बजने से जो आवाज पैदा होगी, ठीक है, वो यहाँ पर उसे हम क्लैमर। गोंग, गोंग घंटी, बेल, एको, ठीक है, गूंज, गरज, ठीक है, मतलब किसी चीज की आवाज आती है जैसे घंटी की, तो उसे हम गोंग कहते हैं। ये सिनोनिम्स हैं जिन्हें आपने नोट कर लें। अब सर हम आते हैं इसकी टेक्स्ट की ट्रांसलेशन पर, कौन सा पैराग्राफ आज डिस्कस किया जाएगा। तो अभी हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इसका फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो हम डिस्कस करेंगे। आपका पेज नंबर है 62, वहां पर चैप्टर नंबर 10 है, वो है अमाइंड अटैक ऑफ डॉग्स। सबसे पहले मीनिंग सीखते हैं। माइंड, माइंड का मतलब अमूली सा अटैक, हमला ऑफ डॉग्स टिड्डियों के लश्कर का। तो टिड्डियों के लश्कर का एक मामूली सा हमला। लुक, लुक, देखो, देखो, देयर दे आर, वो वहां है, टिड्डियां आ रही है, फॉर्मेट से जो किसान है वो उसे मतलब इशारा कर रहे हैं, ठीक है, बता रहे हैं मार्केट को, क्योंकि उसके खेतों में जो काम करते हैं कि भाई वो आ रही है। तो लुक, लुक, देखो, देखो, देयर दे आर, वो वहां है। आउटरैंक मार्केट टू जॉइन देम, आउटरैंक बाहर भागी मार्केट, मार्केट टू जॉइन देम, ये जॉइन देम का मतलब है कि उनमें शामिल होने, उनमें शामिल होने के लिए मार्केट बाहर भागी। Looking at the hills, looking at the hills का मतलब है hills होता है पहाड़ियाँ, looking देखते हुए। तो end से translation करेंगे looking at the hills, ये पहाड़ियों की तरफ देखते हुए, to join them, उनमें शामिल होने के लिए Margaret बाहर भागी, मजदूरों में शामिल। Out came the servants from the kitchen, बाबर्ची खाने से मुलाजिम भी बाहर आ गए। They all stood and gazed, वो सब खड़े हो गए और टिक टिक बांध के देखने लगे, गौर से देखने लगे। ओवर द रॉकी लेवल्स, रॉकी लेवल्स पथरीली सतह पर, ऑफ द माउंटेन, माउंटेन पहाड़, पहाड़ की पथरीली सतह पर, वाज अ स्ट्रीक ऑफ रस्ट कलर्ड एयर, एक नारंगी रंग की पट्टी थी लॉकस्ट और टिड्डियां थी। देयर दे केम, वो वहां आ गए। At once, foreign, अचानक, Richard shouted, Richard चिल्लाया, at the cook boy, बावर्ची पर, तो अचानक Richard बावर्ची पर चिल्लाया, old Stephen yelled, बूढ़ा Stephen चिल्लाया, at the house boy, मुलाजिम पर, तो बूढ़ा Stephen मुलाजिम पर चिल्लाया, the cook boy ran, बावर्ची भागा, to beat the old plowshare, beat होता है बजाने के लिए, प्लाउशेयर होता है हल के भाले को, यानी कि हल की घंटी को बजाने के लिए बावर्ची भागा, कि भाई उसे बुलाए, उसे पीटेगा, घंटी को जो है वो बजाएगा जोर जोर से, तो ये लोग और भी इकट्ठे हो जाएंगे और शोर से टिड्डियां जो है वो दूर भी भाग जाएंगे। हैंगिंग फ्रॉम अ ट्री ब्रांच, जो एक दरख्त की शाख से लटक रहा था, दैट वाज यूज्ड टू समन, जो बुलाने के लिए इस्तेमाल होता था लेबर्स, मजदूरों को, एट मोमेंट्स ऑफ क्राइसिस, हंगामी हालात में, जो हंगामी हालात में मजदूरों को बुलाने के लिए इस्तेमाल होता था। The houseboy ran off to the store, अब मुलाजिम भागा to the store, store गोदाम की तरफ, to collect, collect का मतलब होता है इकट्ठा करने के लिए, tin cans, tin के डिब्बे, tin के डिब्बे इकट्ठा करने के लिए मुलाजिम गोदाम की तरफ भागा, and he old bit of metal, bit of metal का मतलब होता है धात का टुकड़ा, तो एंड से ट्रांसलेशन करेंगे एनी ओल्ड बिट ऑफ मेटल, के पुरानी धात का कोई टुकड़ा, ये टीन के डिब्बे इकट्ठे करने के लिए
मुलाजिम गोदाम की तरफ भागा। द फार्म वॉज रिंगिंग, खेत रिंगिंग, रिंगिंग का मतलब गूंज रहा था, खेत गूंज रहा था विद द क्लैमर ऑफ द गॉन्ग, मतलब घंटी के शोर से। तो घंटी के शोर से खेत गूंज रहा था। एंड दे कुड सी, और वो देख सकते थे, द लेबरर्स, मजदूरों को, कम पोरिंग आउट, कम पोरिंग आउट का मतलब होता है उमट उमट कर आते हुए, यके बाद दूसरे आते हुए, चौक दर चौक आते हुए, एक के बाद दो के बाद तीन, ठीक है, तो ये कम पोरिंग आउट होता है। ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड से एक्चुअली सारे मार्केट के घर इकट्ठे हो रहे हैं, तो किसान सारे उसे बता रहे हैं खेतों के अंदर जब रेडियो वगैरह को चल रही है। इसको दोबारा जरा देखिए, कि द फार्म वॉज रिंगिंग विद द क्लैमर ऑफ द गॉन्ग, कि घंटी की आवाज से खेत गूंज रहा था। एंड दे कुड सी द लेबरर्स कम पोरिंग आउट ऑफ द कंपाउंड, कि वो सहन में मजदूरों को उमट उमट कर आते हुए देख सकते थे। पॉइंटिंग एट द हिल्स, वो इस पहाड़ियों की तरफ इशारा कर रहे थे। एंड शाउटिंग एक्साइटेडली, और वो पुरजोश अंदाज में शाउटिंग चिल्ला रहे थे। Soon, जल्द ही, they had all come up to the house, जल्द ही उस घर में आ गए। And Richard and poor Stephen, और Richard और बूढ़ा Stephen पर giving them orders, उन्हें अहकामात दे रहे थे, हुक्म की जमा अहकामात, उन्हें instructions दे रहे थे, हिदायात दे रहे थे। हरी जल्दी करो। और इसमें Richard और बूढ़ा Stephen जल्दी करो। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का पैराग्राफ, ओके, जो हमने अभी डिस्कस किया, उससे रिलेटेड सिनोनिम्स भी हमने जो डिस्कस किए। तो इंशाल्लाह रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर